घर से बाहर निकलो, अपने देश के बंधुओं के साथ वो कौन है, कहां से आते हैं, कहां जन्मे, कुछ विचार मत करो, कितना कमाते हैं, अमीर है कि गरीब, कुछ मत विचार करो, समाज में मेरे जैसे प्रतिष्ठित है कि ऊंचे है कि हल्के, कुछ विचार मत, वो मेरे अपने भाई है, उनके साथ मातृभूमि के धूल में लोटपोट होते हुए खेल खेलो, मातृभूमि के भक्ति के गान गाओ, पूर्वजों के पराक्रमी कथाओं को सुनकर अपने शरीर में वीरव्रत का संचार करवाओ और भारत माता की प्रार्थना करो, रोज करना एक घंटे का व्यायाम। शरीर मन बुद्धि देश के कार्य के लिए तैयार होती है, एक स्थिति पर पहुंचने के बाद उसको वैसा ही रखा तो सदैव कितने भी मोह आकर्षण स्वार्थ प्राप्त हो जाए, मनुष्य अडिग होकर अपने ध्येय पथ पर चल सकता है। ये संग है, ये सबको करना है, एक घंटे की साधना करना और फिर अपने जीवन में समाज की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला या समाज के अभाव को दूर करने वाला या समाज की त्रुटियों में सुधार लाने वाला कोई एक काम चुनना और उस काम को प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक करना, उस काम को भुनाने की कभी नहीं सोचना, बहुत सेवा की अब मुझे वोट दो ऐसा नहीं कहना, उसके लिए काम नहीं है। संघ में स्वयं सेवक बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, संघ के लिए भी करते हैं, उनको थैंक यू भी नहीं बोलते, धन्यवाद भी नहीं बोलते। अगर कोई स्वयंसेवक बैठक में मुझे पूछता है मैं संघ में आया हूं मुझे क्या मिलेगा, मैं कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा, हिम्मत है तो आओ। संघ स्वयं को बर्बाद करने का काम है, देश को आबाद करने का काम है, करना है तो करो, ये डरपोक लोगों का काम नहीं, स्वार्थी लोगों का काम नहीं। स्वार्थ मन में है तो संघ से दूर रहो, उसमें तुम्हारा भी भला है हमारा भी भला है, ये देने का काम है, ये करना है। यश अपयश आशा निराशा प्राप्ति लाभ हानि कुछ विचार नहीं करना, क्योंकि यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। अपने देश के स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले और स्वतंत्रता के बाद अपने देश को बढ़ाने वाले जितने लोग हैं उनका साहित्य देखो या उनके भाषण कहिए तो पढ़ो, सुनो अगर सुनने को मिलते, सब ने इस एक सत्य को बोला है, इस समाज को सद्गुणों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने मरने का उद्यम करने वाला समाज बनाना, तभी भारत के भाग्य का उदय है।